मैं पर्सनली मैं सिर्फ मेरे बारे में बात कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है मैं उसी के बारे में बात करता हूँ और किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ। मेरा पर्सनल थॉट है आज की, अगर लाइफ में कुछ सिखाया है मुझे, लड़ना सिखाया। पैसे के लिए लड़ना पड़ा, रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ा, इस दुनिया में मेरा जगह के लिए लड़ना पड़ा, काम के लिए लड़ना पड़ा। हर पिक्चर एक लड़ाई था। जो मेरा पहला पिक्चर था प्रोड्यूसर भी नहीं मिला था, हमने पैसा भी रेस्ट मनी और हम सब फ्री में एक्टिंग किया पिक्चर बनाने के लिए। लोगों का प्यार मिला और वो पिक्चर बहुत बड़ा हिट बना। रिलीज़ करने के लिए कोई नहीं था और 8-9 मंथ्स लगा कोई रिलीज़ करने के लिए मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं थे। Absolutely nobody, so I don't even blame them for not backing me. जब मेरा तीसरा पिक्चर था जो अर्जुन रेड्डी था, पूरा स्ट्रीट्स में थोड़ा पार्टीज और यूनियंस उतरा कि पिक्चर को रोको, तब लड़ना पड़ा रिलीज के लिए। फिर लोगों का प्यार मिला, वो बहुत बड़ा हिट हुआ और आप सब मुझे उसके वजह से थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर मेरा अगला दो पिक्चर रिलीज के पहले, एक तो 3 महीने पहले पूरा लीक हो गया था ऑनलाइन, टेलीग्राम पे, गूगल ड्राइव पे। और जो लोग एक और आदमी को ग्रो करना नहीं देख सकते हैं, वो लोग पूरा सोशल मीडिया में फैल रहा था कि ये पिक्चर बोरिंग है, ये वाटर फ्लॉप है, इनका करियर खत्म हुआ। पर जब रिलीज हुआ फिर लोगों का प्यार मिला और दोनों बहुत बड़ा हिट हुआ। और अब इंडिया के लिए बना रहा हूँ पिक्चर, तो थोड़ा बहुत ड्रामा होना ही चाहिए। हाँ, लड़ेंगे। पूरी सच्चे दिल से काम किया, ह्यूमनली जितना पॉसिबल था मुझे एक एक्टर की तरह किया। एक्टर की तरह कम, विजय देवरकोंडा की तरह बात करता हूँ क्योंकि मैं एक्टर 5-6 साल से हूँ। 25 साल में एक बच्चा था जो कुछ बनना चाहता था। एक्टर की तरह कैसा बात करना मुझे मालूम नहीं है, जो मुझे लगता है मैं बोलूँगा। पसंद है तो आया, नहीं पसंद है तो बात करेंगे। जब कुछ नहीं था तो डर नहीं था, अब इतना कुछ किया तो डरने की क्या बात। तो ये मेरा थॉट्स कि माँ का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, भगवान का हाथ है ऊपर, अंदर आग है, कौन रोकेंगे देख लेंगे।